अच्छा, और भी दो लोगों से मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप पे, मेरे पुराने स्टूडेंट ने उनका नाम भूल गया, फसी आ जाओ भाई, जगह दो भाई फसी को, करो लाओ। और कोई मौजूद है मेरा बैच वन या बैच टू का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? तुमसे बात हुई थी मेरी व्हाट्सएप पे? अच्छा आ जाओ, तुम भी आ जाओ, शक्ल तो दिखाए। अच्छा भाई, मेरा ख्याल है कि जितने दो चार लोग मैंने बुलाए हैं, इन सबकी जॉब्स तो लग चुकी हैं। अच्छा, जो हमारे दो बैचेस पहले हुए हैं वो 6-6 महीने का कोर्सेज थे, और कोर्स खत्म होने के फौरन बाद ही जॉब्स लग गई हैं। अच्छा अभी यार जरा बताओ, फसी क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारी रूटीन है? अच्छा मुझे नहीं पता कि फसी क्या कर रहा है। मेरा नाम फसी अहमद है और मैं चैट बोर्डर पर साइबर पे काम कर रहा हूँ, एज ए लेवल 1 सर। अच्छा तो इन 10 महीनों में आपने 30 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं फाइबर में। बढ़िया, जबरदस्त। आओ यार भाई, उतरो, बैठ जाओ। अच्छा उबैर, आप बैच टू में थे चैटबॉट में? अच्छा जरा आप भी जरा बताएं क्या कर रहे हैं आजकल, आप अपना इंट्रो दें और बताएं क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैर मनीर है और मैं जो है मंस टाइप है वो सर से सीखा है, उसके अलावा चैटबॉट डेवलपमेंट भी जो है वो मेरे साथ से सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइवर पर भी ऑर्डर कंप्लीट किए, उसके अलावा जो है मैंने अपर पे भी मेरी जो है अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और ऑल क्रेडिट। अच्छा अभी आपकी कहीं जॉब भी लगी थी शायद? जी मैं नेटवर्क जो है टेक व्यू चैट के अंदर जो है इंट्रोडक्शन मेरी मुकम्मल हो चुकी है और एज ए AI लीड चैटबॉट डेवलपर मैं इस वक्त वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, जो बैच जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वो कंपनी भी जो स्टार्ट की है वो बैच टू के दूसरे स्टूडेंट है हमारे में, तो उन्होंने वो स्टार्ट की कंपनी, वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वरना उनसे भी आपकी बात करवा दे। और जो वर्कशॉप में कुछ पार्ट भी मैंने उनसे कहा था कि यार आप आए, क्योंकि ChatGPT में उन्होंने मुझसे भी ज्यादा अभी काम कर रहे हैं वहां से, क्योंकि वो कंपनी उन्होंने बना ली है माशाल्लाह, तो कंपनी का फायदा ये होता है कि एक से ज्यादा 3-4 प्रोजेक्ट भी ना एट ए टाइम चल रहे होते हैं। तो मुझे रात को मेरी उनसे बात हुई है, तो वो ChatGPT पे मेरे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनसे भी ज्यादा व्यूज लेते हैं, लेकिन अभी तक शायद वो आए नहीं है। अच्छा तो अब हम जरा ये हो गया, कनेक्ट हो गया ये डन। बोल सकते थे ना, उन्होंने वो दबे लफ्जों में निकाल दी बात, तो आपकी बात पब्लिक है, आप इंटरनेट पे देखें कि ऊबर जो है ना वो चक्कर सारा ये था, और अभी तक लॉस में, क्योंकि अभी तक सेल्फ ड्राइविंग तो आई नहीं है, जेब से पैसे देने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ के हिसाब से नहीं सोचे आप ऊबर का, वो आप लंदन और न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के हिसाब से सोचे, वहां पे तो भाई $20 मिनिमम है ना पेज। तो जो बच्चा ड्राइविंग कर रहा है वहां पे, गाड़ी चला रहा है जो, उसको 20 नहीं तो 15 तो देने पड़ेंगे ना, जो बिल्कुल ही 15 से कम देना, जो मैं जो हर स्टेट का अलग होता है, कहीं 14 मिनिमम होता है, कहीं 15 मिनिमम होता है, कहीं पे आमतौर पर 20 तक देते हैं, लेकिन ये कि वो जो बिल्कुल गवर्नमेंट ने मिनिमम सेट किया हुआ है उससे कम तो देना जरूर है ना, वो तो नहीं दे सकते उससे कम। तो $15-20 घंटे के उसको देने पड़ रहे हैं, अगर वो 8 घंटे ड्राइव कर रहा है डेली, और एक ड्राइवर से थोड़ी होगा मसला हल, कराची में तो कहीं भी हो सकता है बंदा, तो इसी तरह वहां पर भी कहीं भी हो सकता है, तो कम से कम एक सिटी में 200 ड्राइवर होंगे तब बात होगी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो आप सोचे कितने पैसे लग रहे हैं और कोई सामने से आउटपुट नहीं आ रहा। चक्कर सारा क्या है, एक तो डेटा बन रहा है कि कौन कहां से कहां जाता है, और दूसरा कि वो सेल्फ ड्राइविंग के आश्रय में बैठा है, जब भी आएगी सेल्फ ड्राइविंग उनके मजे आ जाएंगे। सर मुझे तो लगता है ये पैसे जो है वो AI को ट्रेन करने में लगा रहे हैं या डेटा सर्वर लगाने में, क्योंकि कमा तो रहे हैं। नहीं उबर नहीं, आप शीट निकालेंगे ना उसके, आप जो जमा करवाते हैं ये सारे आते हैं, एक USP अप्रोच भी होती है ना, जैसे मैं टैक्स पे कर, मैं भाई से आया हूं वहां पर, तो थोड़ा एक्सपोजर है, तो सर वो उसमें ये है कि आप उसमें सर बात ये है कि जैसे मिनिमम वेज वाली जो बात होती है ना, तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर लगती नहीं,
नहीं, मेरा पॉइंट उससे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि वो क्योंकि उबर का ड्राइवर एम्प्लॉई नहीं होता, उस पर मिनिमम वेज अप्लाई नहीं होता, मगर वो चक्कर ये है कि अगर वो मिनिमम से कम देंगे तो आएगा कौन? ये असल बात ये है जो समझने की बात है, वो मैं आप मोटी असल में आपको तो डिटेल में बताया ना बात, इसलिए सब लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैंने मोटी मोटी बात की ताकि सब लोगों को समझ आए। दूसरी बात ये कि फूड पार्टनर कैसे है ना, अभी हम लोगों ने जो है ना अभी सुबह पूरी तो 50 रुपए की पूरी पिकअप पे लिया और वहीं बैठे गए 75 रुपए की लिए, मतलब 25 रुपए मतलब मतलब बड़ा बड़ा पैसा है, 33% टोटल इसकी वो कितनी है, कितनी है वो भी तो देखो, फूड कंपनी मिलियन अगर कोई 30-40 बिलियन लगा के और 2 मिलियन कमा रहा है तो ये लॉस ही होगा। तरीका कोई भी नहीं है, अगर बीबीसी पर बात चल रही है तो वो अब कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको, तो तरीका कोई नहीं, लेकिन सरफेस पे बात की है। अच्छा यार, अगर आप दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पे ना एक शिफ्ट और हमें करनी पड़ेगी, ऐसा ही एक सेशन और बाहर लोग खड़े हैं, तो जरा इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो मैं भी शायद आप लोगों से मैंने वादा किया था कोडिंग का, तो कोडिंग सेशन शायद हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे की जगह हमें 2 घंटे मिल रहे हैं, 9 से 11 मिनट मिल रहे हैं, 11 बजे दोस्त बता रहे हैं कि खत्म करना होगा, तो आप सब लोग जब कोई छोटी कंपनी के पास पैसा भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है एआई का मॉडल ट्रेन करने के लिए, तो इसका हल क्या है? इसका हल है एआई एज अ सर्विस। अच्छा एआई एज अ सर्विस क्या बोला है? एआई एज अ सर्विस ये है कि कोई बड़ी कंपनी ना एआई का मॉडल ट्रेन कर लेती है एक दफा, और हम क्या करते हैं, हम एपीआई के जरिए उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सर्वर पर बना के होस्ट कर देती है। अच्छा सबसे उसकी बेहतरीन मिसाल गूगल विजन एपीआई। अब वही टास्क जो मैंने किया था ना, कैट और डॉग 50,000 इमेज लगा रहा था मैं, और 3-4 दिन तक वो मशीन ट्रेन करके, फिर एक आइट्रेशन में वो 3-4 दिन लगा रहा था, ठीक है, अगर मेरे यानी यूजर लेवल के कंप्यूटर है। अब उस इमेज के साथ मैं क्या करूंगा, उसको इमेज को उठाऊंगा ना, सीधा भेजूंगा गूगल विजन करके, वहां से मुझे वो दे देगा ऑब्जेक्ट पूरा, उस इमेज में जो कुछ भी मौजूद है पूरा ऑब्जेक्ट मुझे बना के दे देगा। ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर करेंगे यहाँ की मैं फोटो लूँ और उसको मैं गूगल विजन पे भेजूँ, तो मुझे वो जवाब में बता देगा कि यार यहाँ पे ना एक क्लास रूम है और इसमें एसी लगे हैं और प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सामने एक फोन लगा हुआ है, और ऑन एवरेज यहाँ पे किस एज के लोग बैठे हैं और मेल कितने परसेंट है फीमेल कितने परसेंट है, वो ये छोटी मोटी बातें सारी बता देते हैं, और कितने कैट मौजूद है कितने डॉग मौजूद है। ये वो यहाँ वाले फोटो की नहीं, वो मैं पिछली एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं कैट की फोटो दूंगा ना, तो ना सिर्फ वो ये बताएगा कि ये कैट है, बल्कि वो ये भी बताएगा कि इस पिक्चर में कितनी कैट है, ये भी मुझे बताएगा। अच्छा उसके वो पैसे क्या ले रहे हैं मुझसे? सेंट्स में चार्ज करते हैं, कुछ सेंट, डॉलर भी नहीं हुआ, डॉलर तो बहुत होता है हमारे यहाँ तो 300 का भी हो गया, तो कुछ सेंट यानी पाकिस्तानी 4-5 रुपए चार्ज करते हैं एक फोटो भेजने का और उसको उसका जवाब रिटर्न करने। ये एक ऐसा काम हो गया जबरदस्त किस्म का कि छोटी कंपनीज के लिए ना ये सबसे वायबल है, सबसे ज्यादा फीजिबल चीज है। अच्छा और मिसाल के तौर पर मुझे कोई ऑडियो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके लिए अपना एआई का मॉडल ट्रेन नहीं करूंगा, ये रीइन्वेंशन ऑफ व्हील हो जाएगा, मैं उसको दूंगा गूगल के स्पीच एआई को। अच्छा अब विस्पर को दूंगा, विस्पर अभी ओपन एआई का आ गया है, उसको दूंगा मैं, उसको उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है, या टेक्स्ट से मुझे अगर ऑडियो में करना है, सॉरी टेक्स्ट से ऑडियो में तो विस्पर नहीं करता, वो तो विस्पर करता है, सिर्फ ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और वही सबसे ज्यादा मसला है गूगल का, जो टेक्स्ट को स्पीच वाला है ना वो तो सही है, उसका जो कोई इशू, कंप्यूटर की आवाज होती है और उसमें आपको सुनाई दे रहा होता है, अभी तो वेव नेट निकाला बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन
कोई बंदा बोल रहा है और मशीन उसको समझे, इसके लिए मुझे स्पीच टू टेक्स्ट चाहिए होता है जो विस्पर में वो मसला हल कर दिया है। गूगल से बहुत बेहतर कर रहा है और मल्टी लैंग्वेज एक एट अ टाइम वो एक से ज्यादा लैंग्वेज को समझ सकता है। या इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई और एआई का टास्क है, कोई एग्जांपल दो एआई के टास्क की, टेक्स्ट टू स्पीच में वो उर्दू लैंग्वेज अगर करना है तो उसका नहीं आता। नहीं नहीं गूगल में तो आ गया उर्दू भी, टेक्स्ट टू स्पीच आ गया। अगर हमें अगर आप उसको उर्दू में लेना है तो आपका इंग्लिश तो अच्छा नहीं, उर्दू की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, उर्दू की हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि अभी एआई से ना उर्दू में काम हुआ नहीं है, हिंदी में हुआ है, उर्दू में अभी काम नहीं हुआ। तो मे भी उसमें इंग्लिश करके एक होता है लैंग्वेज की लिस्ट में, इंग्लिश होता है उस पर आप ट्राई कीजिएगा, मे भी उस पर बेहतर रिजल्ट है कोई, लेकिन उसमें कोई ना कोई जुगाड़ ही करना पड़ता है। कोई दूसरा एआई अगर सर्विस लेके ना उसको मैंने रोमन को पहले मुझे उर्दू में कन्वर्ट करना होगा या हिंदी में कन्वर्ट करके हम कुछ ना कुछ करके चल जाता है। नहीं लिखा हुआ रहता है कि स्पीच कुछ भी कर दी, नहीं उसको कन्वर्ट करने बोलो तो कर सही कह रहे हैं, कन्वर्ट उसको एक रोमन में लिखा हुआ ना और उसको मैं बोलूंगा ट्रांसलेट दिस रोमन हिंदी इनटू इंग्लिश तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट। गूगल ट्रांसलेटर, हां गूगल ट्रांसलेटर भी कर देता है, ये भी कर देता है, दोनों कर देता है जी। दोस्तों और एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की भी एक एपीआई, तीनों जो जाएंगे ना तीनों ने गूगल विजन सॉरी विजन की एपीआई अपनी बना ली। उसके पीछे उन्होंने एक मॉडल ट्रेन किया था, अच्छा वो इतना जर्नलाइज सिस्टम का मॉडल है कि वो कोई छोटी कंपनी तो सोच भी नहीं सकती उसमें, वो हर साल उस पर वो इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। अच्छा गूगल के पास कंप्यूटर की कोई कमी नहीं है, उनके पास लाखों की तादाद में और बड़े साइज के कंप्यूटर मौजूद हैं जो वो गूगल क्लाउड पे भेजता भी है और उन्हीं को वो खुद भी इस्तेमाल करता है जरूरत पड़ने पे। मिसाल के तौर पे कोई उन्होंने एक मॉडल ट्रेन करना है एआई का, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा 4 लाख कंप्यूटर है, 4 लाख कंप्यूटर में से अभी जो गूगल क्लाउड पे एंगेज हुए हैं वो 2 लाख है, 2 लाख फ्री है, तो उस पर 2 पे अपना काम चला देते हैं। कुबरनेटीज के सिस्टम में बड़े आराम से होता है कि वो कहता है कि जितना लोड उधर आ रहा है ना उसको प्रेफरेंस दो और हमारे काम को प्रेफरेंस दे दो, तो जो कंप्यूटर फ्री होता है उसको चल जाता है, जैसे ही लोड आता है उसको खाली करके वो वाला चला देता है। तो कंप्यूटर की उनके पास कोई कमी नहीं है, वो चलता रहता है आराम से, उनको कोई जल्दी थोड़ी है, वो तो साल बाद एक वर्जन दे रहा है अगला गूगल विजन का और थोड़ी बहुत भी इम्प्रूवमेंट वो चल जाएगा, कोई बहुत ज्यादा है वो भी नहीं है कि ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो हर साल उसको थोड़ा 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 करके इम्प्रूव कर रहे हैं और इस तरह एआई एज अ सर्विस जो है ना वो चल रहा है पूरा। अच्छा कोई और मुझे एक एआई का टास्क बताओ जो इमेज टू टेक्स्ट, वो तो वही विजन एपीआई से हो जाता है, विजन एपीआई का वो पीडीएफ से टेक्स्ट ले ले, हां नहीं पीडीएफ हो या इमेज हो एक ही बात है, पीडीएफ भी तो इमेज होती है असल में, तो वो तो इसको भेजूंगा मैं विजन एपीआई को और उसमें ओसीआर करके मुझे दे देगा जिसमें वो पूरा टेक्स्ट वर्जन उसका मुझे मिल जाएगा। और कोई टास्क बताओ जनरेटिव एआई जो है ना वो भी असल में एक जनरलाइज किस्म का मॉडल ओपन एआई ने ट्रेन कर लिया है, उसको हम यूज करते हैं। अच्छा उसके पैरा मिसाल के तौर पर मैं तो जब कैट और डॉग की मॉडल को ट्रेन कर रहा था तो उसको मैं क्या दे रहा था, 50,000 इमेज डॉग की और 50,000 कैट की दे रहा था। ओपन एआई वालों ने क्या किया, पूरा इंटरनेट ही स्क्रैप कर लिया। हम तो एक तो वेबसाइट स्क्रैप करते हैं ना किसी, ये इस वेबसाइट पर खुद से लिखते हैं तो सारी इमेज स्क्रैप कर ली मैंने सेलिनियम वगैरह से या आरपीए का कोई फ्रेमवर्क लगा के और मैंने उससे मॉडल ट्रेन कर लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पूरा इंटरनेट स्क्रैप करेंगे हम सारी आरपीए, तो उन्होंने पूरा इंटरनेट स्क्रैप किया और उस सबको एज अ इनपुट दे दिया उस एआई के मॉडल को, उसने कहा हो जाओ ट्रेन। अच्छा अब उसको उन्होंने जर्नलाइज लेवल पे ट्रेन किया और वो असल में है ऑटो कम्प्लीट। अच्छा उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि यार ये जो एआई को हमने समझ लिया, अब ये चैटबॉट क्या होता है, एआई एज अ सर्विस भी हमने समझ लिया। चैटबॉट एक नए किस्म के कंप्यूटर है जिनसे हम बोल के बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और आप मुझे जवाब दे रहे हैं, इसी तरीके से
कि नए किस्म के कंप्यूटर इस वक्त आ चुके हैं मार्केट में जिससे आप बोलते हैं और वो आपको वैसे ही जवाब देता है इंसानों की तरह। अच्छा आप कोई मुझे अपना वो फोन दे एंड्रॉइड जिसमें वो गूगल असिस्टेंट है तुम्हारे फोन में, दो जरा थोड़ा डेमो कर रहा हूँ। अच्छा ये मेरे पास एक फोन आ गया, इसका मैं होम का बटन दबा के रखूंगा तो ये असिस्टेंट जाग जाएगा। अच्छा ये देखिए लिखा आ गया हाउ कैन आई हेल्प। अच्छा इसको सेट अलार्म आफ्टर 6 मिनट्स फ्रॉम नाउ। आवाज इसका स्पीकर आवाज बंद कर दी पर अच्छा आवाज बंद है पीछे पीछे स्पीकर पीछे Set alarm after 12 minutes from now. Set local time. लेकिन उसने जवाब दे दिया कुछ गड़बड़ कर सर ये भी हाँ यार Set alarm after 7 minutes from now. अच्छा व्हाट्स द वेदर राइट नाउ? इट्स 94 विद हेज, देयर विल बी स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स विद अ हाई ऑफ 101 एंड अ लो ऑफ 85. ड्यू टू द करंट ह्यूमिडिटी इट फील्स लाइक इट्स 103. तो इसने काफी जो है ना अमेरिकन एक्सचेंज का बता दिया कि आज का हाई 101 है, फॉरेन हाइट सेट हुआ है शायद सेटिंग में 101 फॉरेन हाइट है और लो 65 है और 85 है फॉरेन हाइट। और ये बता दिया इसने कि भाई आज तो तूफान वगैरह भी आने वाला है तो आप सब लोग बी सेफ। अच्छा इससे मैं और कोई छोटी मोटी बात पूछता हूँ, और ये पूरा कंप्यूटर है ठीक है, ये नए किस्म के कंप्यूटर है जिनसे आप बोल के बात करते हैं। अच्छा अब मैं इससे पूछता हूँ कि यार what's the news? आज की न्यूज जरा लेते हैं कराची में क्या चल रहा है टाइम में। What's the news today in Karachi? Here's the results. अच्छा ये मुझे इसने न्यूज ना यहाँ पे लाके दिखा दिया बजाय बोल के बताने के ना मुझे लाके दिखा दिया। अच्छा और भी इसमें जरा असल में मैं जो ज्यादातर काम करता हूँ मैसेज वगैरह सेंड करा दिया किसी को कॉल कर दी वो तो मैं स्कूल में नहीं कर सकता अभी लेकिन ये आप देखें जब मैंने अलार्म इसको सेट किया तो ये कितनी तेजी से हुआ ये काम। ये चैट बॉट की खासियत है अभी 6-7 मिनट बाद में ये सबके फोन बजना शुरू होंगे जिन जिनका मैंने ये सेट किया। अच्छा आप सब लोग भी एक्सपेरिमेंट करें निकाल के ना और आप उसको आज से यूज करना शुरू करें, होम का बटन प्रेस करें और उससे जरा ये अलार्म सेट करना है सब लोग, कोई 15 मिनट कोई 18 मिनट कोई 20 मिनट हर थोड़ी देर में अलार्म बजता होगा। अच्छा तो आप देखें मैं पता है सोने जाने का तो टाइम होता नहीं ना, डेवलपर के पास टाइम नहीं होता, सब में बड़ा मसला ये काम इतना ज्यादा है कि देखो सेट अलग नहीं हो गया। तो अब मैं इमेजिन करें रात को बैठा हूँ 2:30 बज गए अब मुझे नींद भी आ रही है सब और सोना भी है और सुबह उठ के 9 बजे फिर यहाँ भी आना है, तो इतने में अगर मैं क्लॉक की ऐप खोल के ना अलार्म सेट करने की कोशिश करूंगा तो बस वो AM PM उल्टा ही लगेगा फिर और वो शाम को 7 बजे बजेगा और आप लोग यहाँ बैठे होंगे यह इमरान भाई बुला के कहा आए होंगे। तो उसमें सबसे बेस्ट ये है कि मैं उसको बोलूंगा कि सी सेट अलार्म 7 AM दैट्स इट, तो उसको पता चल जाएगा। तो या मैं बोलूंगा गूगल असिस्टेंट को कि हे गूगल सेट अलार्म 7 AM। अच्छा आईफोन जिनके पास है उसमें सीरी निकलेगी होम का बटन दबाने से और जिनके पास गूगल का फोन है उसमें ये निकलेगा गूगल असिस्टेंट। अच्छा और अलेक्सा वगैरह भी आजकल ऐप की सूरत में फोन में भी आ गया वैसे मुझे डिवाइस होती है। तो आप ये देखें कि यार मुझे ऐप खोल के ये काम करने में 4-5 दफा टैप करना पड़ता है और उसको देखना भी पड़ता है और सोचना भी पड़ता है। मैंने उसको बोला कि आफ्टर 7 मिनट्स फ्रॉम नाउ तो उसने खुद कैलकुलेट किया कि अभी जो टाइम हो रहा है उससे 7 मिनट आगे क्या होगा और उसने उसको सेट कर दिया। तो आप ये नोट करें कि कंप्यूटिंग की स्पीड इससे कितनी बढ़ जाती है जो बोल के हम बात करते हैं, क्योंकि यार हमारा जो सारा एक्सपीरियंस है वो बोलने का है, जितनी तेजी से हम बोल सकते हैं उतनी तेजी से लिख पढ़ हम नहीं सकते। अच्छा तो ये चैट बॉट से मैंने आपको इंट्रो करवाया कि चैट बॉट क्या है, नए तरह के कंप्यूटर है और वो सारे काम
जो एक मोबाइल ऐप से आप करते हैं बटन दबा के टच करके कीबोर्ड के जरिए या माउस के जरिए, वो सारे काम अब आहिस्ता आहिस्ता चैटबॉट से अब किए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने जब 2016 में ये शुरू किया था इस पर काम करना, तो उस वक्त मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे कि इंतजाम भाई ये तो चले अलार्म वगैरह सेट हो गया, पिज्जा ऑर्डर हो गया, होटल बुक हो गया, इसमें फ्लाइट बुकिंग हो गई, ये वाली सारी एप्स तो इसमें बन जाएंगी बहुत आराम से, लेकिन एक्सेल शीट कैसे बनेगी इस पर? एक्सेल शीट भी तो मोबाइल ऐप में होता है ना, एक्सेल शीट वाला काम, स्प्रेडशीट। तो मुझसे वो कहते थे यार ये कैसे होगा, तो अब आप देखें चैट जीपीटी से वो भी होता है। आप एक्सेल शीट पूरी कॉपी करते हैं ना, उसको आप दें, वो समझता है कि एक्सेल शीट का डेटा है, और उस आप बोले कि यार ये जरा अटेंडेंस शीट मैंने आपको दी है ऊपर, आप जरा बताएं कि इसमें कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी 70% से ज्यादा अटेंडेंस है, तो वो आपको उन्हीं की लिस्ट दे देगा निकाल, और उसी फॉर्मेट में देगा, एक्सेल शीट वाली फॉर्मेट में। आप उसको कॉपी करके वापस पेस्ट करेंगे तो वो सीधा सीधा उधर ही आपके पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये प्रूव हो गया है कि चैट बॉट से ये सारे काम हो सकते हैं और हो रहे हैं। अच्छा, अब जरा हम आगे देखते हैं, ये तो मैंने बात कर दी ना थोड़ी सी, ये थोड़े से एविडेंस, क्योंकि यार बगैर एविडेंस के ना बात में वजन नहीं होता सही में। ये जो बंदे बैठे हैं ना, ये पेंटिंग है, ये मिस्टर वुड है, बड़े फेमस पेंटर, उन्होंने बनाया था ये बच्चिया, देखो आराम अभी सबके बजेगा एक एक करके ठीक ठीक। इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, इसमें दिखाया उन्होंने, ये मेंद्राल फैमिली, नेंद्राल नहीं पता इसका वो मुश्किल सा प्रोनाउंसिएशन है ना, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं उसको नेंद्राल, क्या है नेंद्राल, पता नहीं इस तरह का वो मुश्किल सा है भाई, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता वो नाम, तो उसको मैं नेंद्राल बोलता हूँ, मैंने प्यार से निकले रखा है, निन्नो रखते थे, निन्नो, ये निन्नो है। अच्छा, तो ये इनको कैसे पता चला, 1000 ईयर ओल्ड फॉसिल जो मिले ना साइंटिस्ट को, तो उसको यानी सबसे पुराने जो फॉसिल्स अभी तक मिले हैं, उसको खोपड़ियों को देख के जो साइंटिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि यार ये बोलते थे कुछ, क्योंकि ये बायोलॉजिकली ना, आप मिसाल के तौर पर जैसे मैं बात करता हूँ, तो बात करने वाले जो जीव होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका जो थ्रोट का स्ट्रक्चर होता है वो एक उसको देख के बताया जा सकता है कि ये बोलते थे। इसी तरीके से जो लोग हॉर्स राइडिंग करते रहे, उनका अगर आपको वो स्केलेटन मिलेगा ना बैकबोन का, तो उनकी बैकबोन का स्ट्रक्चर जो उन लोगों से जो जिन्होंने कभी हॉर्स राइडिंग नहीं की उनसे मुख्तलिफ होता है, ठीक है, तो उसके वो बैकबोन को देख के ये बताया जा सकता है कि ये हॉर्स राइडिंग अपनी जिंदगी में करता रहे, या कोई बाइक की राइडिंग, अभी हमारे यहाँ तो नया जो घोड़े की जो जदीद किस्म है वो बाइक है, मोटर बाइक अगर कोई राइडिंग करता है तो आपको आज से 1000 साल बाद अगर आपकी बॉडी किसी को मिली तो वो देख के ये बता पाएगा कि ये मोटरसाइकिल चला रहा है राइडर, ये बता सकते हैं ये, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा साइंटिस्ट से, क्योंकि मेरी क्लियर नहीं है, कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि वो 70 का या 125 का है, ये पूछना पड़ेगा। क्या मिलियां लगाता था ये, बस सीधी सीधी बाइक चलाना, तो इसी तरीके से अगर कोई किस माहौल में रहता था, कोई समुन्दर के करीब रहता था, उसके वो नमकियात होगी, उसकी हड्डियों वगैरह में नमकियात भरी हुई होगी, उससे पता चलेगा आया कि क्या खाता था, किस किस्म की घास फूस खाता था, तो उसका हड्डी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कोई अगर गोश्त खोर था मेरे जैसा तो वो उसका गोश्त उसकी चर्बी है, चर्बी तो नहीं होती हड्डियों में, लेकिन वो पता चल जाता है डीएनए में ना, वो सारा आ रहा होता है कि किस किस्म का था, मोटा था, लंबा था, क्या चक्कर था सारा, तो वो उन्होंने ना इसके थ्रोट को देख के अंदाजा लगाया गया ये बोलते थे, और उसका वो स्केलेटन से ना उसकी एक फोटो की तश्कील दी, अच्छा मुंह कुछ इस तरह का इसका होगा, तो वो पेंटर ने उसको भी ये दिखाया कि जी ये ना देखें कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, ये बातचीत हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है आप देखें ये किस टैबलेट्स हैं, ये अर्लीस्ट राइटिंग है, जो अभी तक जो सबसे पुराना लिखा हुआ नुस्खा मिला है ह्यूमन काइंड को, जो साइंटिस्ट को, वो 5000 साल पुराना है। तो आप देखें कितना वाजिब फर्क है, 1000 ईयर्स और 5000 ईयर्स, और फर्क आपके सामने, जितनी तेजी से मैं बोल रहा हूँ, अगर इतनी तेजी से मैं लिखूं तो मैं लिख नहीं सकता, और जितनी तेजी से आप सुन रहे हैं मेरी बात को और समझ रहे हैं, अगर लिखा हुआ दे दिया जाए ना एक बार, तो आप इतनी तेजी से सुन भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, आपको टाइम लगेगा। अच्छा, तो आप कहेंगे कि यार ये तो एंसेस्टर से क्या ताल्लुक है इसका, अगर 1000 साल से वो तो मेरे पिछले जनरेशन थे ना, उनका तो इंतकाल हो गया, अब मैंने तो शुरू से बोलना सीखा है,
लेकिन वो भाई डीएनए में आपकी चीज होती है, उसका भी एक साइंटिफिक एविडेंस। अच्छा ये एक डेस्टन करके है, इन्होंने बुक लिखी है, इनकी बुक इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी इस कोर्स में थोड़ी सी। तो ये कह रहे हैं कि यार हाउ मेनी टाइम्स आवर एंसेस्टर परफॉर्म स्वाइप एंड पिंच जेस्चर। अब यार एक तो बोलने और सुनने की बात हो गई ना, अब कंप्यूटिंग तो हमारी होती है वो टच में, और माउस का निशाना लगाना पड़ता है ना। जो अगर कोई बच्चा पहली दफा कंप्यूटर चला रहा है तो अब सबसे पहला उसको जो इशू आता है वो माउस का निशाना है ना, माउस का निशाना नहीं लगता। जब मैंने भी पहली दफा चलाया ये मसला होता था, और मेरे जमाने में तो माउस भी वो बॉल वाले बॉल थे, तो उसके ऊपर वो बॉल जाम हो जाती थी उसकी। अब तो माउस थोड़े पैड बेहतर आ गए। तो निशाना ये पिंच करना, ये स्क्रॉल करना, ये जेस्चर तो हमारे सिस्टम में कभी किया ही नहीं है, तो आया ही हमारे एज में। मेरी पैदाइश 94 की है, तो ये तो मेरे सामने आया। अब हमारे अब्बा के जमाने में तो ये होते ही नहीं थे फोन वगैरह, वो तो हमने देखा है। अब आप खोलिए, तो इसमें हमारी स्पीड बोलने और लिखने पढ़ने से भी कम। बोलने की स्पीड सबसे ज्यादा, लिखने की उससे कम, पिंच और टच और क्लिक और टाइपिंग की सबसे कम। आप देखें ना, बोलने में ऑन एवरेज एक मिनट में कितने वर्ड बोल जा रहा हूं मैं, और टाइपिंग में अगर 30 वर्ड किसी ने कर लिया ना एक मिनट में, 30 वर्ड तो मैं 5 सेकंड में बोल जाऊंगा अगर जल्दी जल्दी बोलू तो, है ना, बोलने पे आ जाऊंगा। उसमें अगर 30 वर्ड पर मिनट है ना, तो उस बंदे की वैल्यू होती है यार, ये तो अच्छी स्पीड है टाइपिंग की। आमतौर पर गवर्नमेंट जॉब वगैरह आती है उसमें कहते हैं 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो सबसे स्लो है उसमें। अच्छा, तो हमें पता ये चला कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है वो तो तेज हो गए, असल बॉटल है हम है। जो कंप्यूटर की कंप्यूटिंग में जो हम जो स्लो है ना कंप्यूटिंग, असल में तो हम है बॉटल है, प्रोसेसर का कसूर नहीं है। वो तो हो गया जल्दी, i7 i9 पता नहीं कितना है अभी। तो जो नॉर्मल जो लैपटॉप है नए वाले, अभी आप कुछ दिन पहले रिलीज किया है उन्होंने जो मैक प्रो, पता नहीं 28 कोर वाला है, वो 28 कोर प्रोसेसर है उसमें नए वाले में, और वो पर्सनल कंप्यूटर, वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, सर्वर लेवल के नहीं, पर्सनल कंप्यूटर है। आपके सब लोगों के फोन में क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, 12 कोर के प्रोसेसर तो फोन में है, तो कंप्यूटिंग पावर तो बहुत है हमारे पास। यूजर लेवल पे बात हुई, सबके फोन बजेंगे अभी थोड़ी थोड़ी देर में, तो हमने अलार्म सेट किया ना, क्योंकि देखो कितनी जल्दी जल्दी तेजी से हमारा सबके फोन में अलार्म सेट किया। वो तो इन्होंने अभी फीचर नया लाया ना कि अब ये सिर्फ आपकी बात सुनता है, वरना पहले अगर आप आज से 2-3 साल पहले होते ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोलता माइक में, हे गूगल सेट अलार्म 6 मिनट फ्रॉम नाउ, आप सबके फोन में 6 मिनट का अलार्म सेट होता है। लेकिन अभी इन्होंने सही कर दिया कि वो पहले बोलता है आपसे ना, हे गूगल बोले आप, और फिर उसके बाद होता है। अभी भी इनका जो वो होम वाली डिवाइस है ना, उसमें ही मसला है। तो मैं कभी कभी अपने क्लाइंट से ना रख ही लेता हूँ, मुझे अगर दिख जाता है ना वीडियो कॉल में पीछे से रखा हुआ है, तो मैं ना बातें करते करते ना अचानक बोलता हूँ, हे गूगल सेट अलार्म आफ्टर 12 मिनट फ्रॉम नाउ, वो देखता है क्या हुआ, मुझे पता है उसके अंदर ये उन्होंने नहीं रखा आवाज वाला, वो किसी की भी बात सुन लेता है होम वाला जो। अच्छा ये आप देखें, साइंटिफिक एविडेंस आ गया। ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है ना, ये अमेरिका में माइग्रेट करते हैं एक खास जगह से दूसरी जगह पे साल के, ये मेक्सिको से शुरू होते हैं और पूरा ट्रेवल करके ना ये जून में पहुंच जाते हैं ओंटारियो, और फिर वापस जो है वो 2-3 जनरेशन रस्ते में खत्म हो जाती है, और वापस फिर मेक्सिको पहुंचते हैं दोबारा नवंबर। तो ये पूरे साल चक्कर लगाते हैं, बहुत सारी बर्ड्स भी होती हैं चक्कर लगाती हैं। अब इसमें खास बात ये है कि इसकी उम्र इस बटरफ्लाई की होती है 1-1.5 महीने मैक्सिमम, इससे ज्यादा इसकी उम्र होती नहीं है। तो इस पूरे ट्रैवल में इनकी 5-6 जनरेशन खत्म हो जाती है। अब इनको सवाल ये कि इनको बताता कौन है कि जाना कहां है, जो निकल तो गए अपने घर से, जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई, अब आगे कहां जाना है ये कौन बताएगा। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो ये कौन बताएगा कि वापस कहां है। तो ये एक मामला है साइंटिस्ट के लिए, यार ये क्या चक्कर है, इनको पता कैसे चलता है। तो डिफरेंट इसमें थ्योरीज है, एक थ्योरी इसमें ये है कि इनको अपने एंसेस्टर्स के डेटा का ना एक्सेस होता है। हाँ, ये जो एक जो इंसान के ब्रेन में भी ऐसा पार्ट होता है इसमें एंसेस्ट्री का सारा डेटा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी थ्योरी है, ठीक है, इंटरनेट पे ऐसी थ्योरी चल रही है। तो वो डीजा वो कहते हैं इसी वजह से होता है कि आपको लगता है ना यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, अभी ऐसे कब पकड़ा होता है हाथ में, अभी आवाज देती है, आपने कहते हैं ऐसी तो आवाज दी थी हमने, हालांकि वो आपको पता है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। या किसी आप दूसरे शहर में जाते हैं, मेरे साथ हुआ, मैं दूसरे शहर में गया, वहां पर मुझे एक चीज एक दरवाजा दिखा, मैंने कहा ये तो आया हूँ पहले, और मैंने कहा इसके पीछे ऐसा दरवाजा, और मैं वहां गया वापिस में और ऐसा दरवाजा। तो ये होता है आपके साथ। तो डीजा वो कहा जाता है कि इसी वजह से होता है कि आपके ब्रेन में एंसेस्ट्री का सारा डेटा होता है और आपके लिए एक्सेसिबल होता है, यही वजह है कि जो लकड़हारे का बेटा है उसके लिए
लकड़ी का काम सीखने की जरूरत नहीं होती उसकी। तो केमिकल वाले का बेटा है उसको केमिकल का काम पैदाइशी आती है, या जो दर्जी का बेटा है उसको वो ऑटोमेटिक दर्जी होता है, उसको सीखना नहीं पड़ता क्योंकि वो सारा एंसेस्ट्री का डेटा है। तो ये आपके सामने सारा एविडेंस आ गया। 100,000 ईयर्स का हमारा जो बोलने का एक्सपीरियंस है ना, वो आप देखिए कितनी तेजी से बातें हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपसे वादा किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको बताऊंगा, ये अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, क़यामत जब तक कायम नहीं होगी अंटिल प्रेडेटर्स स्पीक टू पीपल, जो परिंदे ना वो इंसानों से बातें करेंगे, शेर चीते वगैरह। तो अच्छा, और अंटिल द टिप ऑफ अ मैन्स बिट एंड स्ट्रैप ऑन हिज सैंडल, जो आपकी छड़ी का सिरा और आपके सैंडल का जो जूते का फीता है आपके, वो आपसे बात करेगा उस वक्त तक। ये और तीसरी बात इसमें लिखी है कि एंड हिज थाई इन्फॉर्म्स हिम व्हाट हैपेंड विद हिज फैमिली आफ्टर ही लेफ्ट, और उसकी बंदे की थाई उसको बताएगी कि जब वो घर पे नहीं था तो पीछे में उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। अच्छा, तो अब प्रेडेटर से तो बातचीत होना शुरू हो गई, आपको पता है आजकल इस तरह के वो प्लांट वाली एप्स आपने देखी होंगी सब लोगों ने। अच्छा, प्रेडेटर हो गया, और ये थाई वाला भी मेरे भी समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है, लेकिन ये जो शूज के वाली बात है ना कि इंसान की जूती का तस्मा भी उससे बात करेगा और उसकी छड़ी का सिरा भी उससे बात करेगा, तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि यार हर चीज बात करेगी, जितने भी आपकी सराउंडिंग में चीज है ना, कि जूते का फीता तक आपसे बात करेगा, मैं इससे ये मतलब ले रहा हूँ। जी तो वो बकायदा उसको पता चलता है कि आप गिरे हैं, और वो कुछ नंबर्स आप पहले से सेट करते हैं डॉक्टर वगैरह का, उसमें वो फोन मोन मार देता है भाई बकायदा, सब उठे बंदा ही गिर गया निकाला ना, हाइकिंग जो लोग करते हैं स्पोर्ट्स वाले होते हैं उनकी स्पेशली डिजाइनिंग करते हैं, तो उसमें भाई वो सारे फीचर हैं कि आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, कार क्रैश होती है आदमी उसको डिटेक्ट करते हैं, आपके डॉक्टर को फोन लगाते हैं, एम्बुलेंस को फोन लगाते हैं, सब्सक्रिप्शन है उसकी, वो इनकी हेल्थ की सब्सक्रिप्शन है, उसमें वो चीजें सारी आती है, नेकलेस और ब्रेसलेट आ गई है। तो वो भाई आपके जो आपका कार क्रैश होती है ना आपकी, तो उसको डिटेक्ट करता है वो और एम्बुलेंस बुलाता है भाई बकायदा आपके लिए। हेलमेट में भी हाँ, अच्छा तो अब देखिए एसी भी बात करता है आपसे, क्योंकि वो मैं घर पे बोलता हूँ ना कि हे गूगल सेट एसी ऑन 26 सेंटीग्रेड, तो वो उसको सेट कर देता है, या अगर ऑफ करना मुझे तो मैं बताया टर्न ऑफ माई एसी, तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए आपसे आहिस्ता आहिस्ता ना बात करती है। अच्छा, तो ये तो अभी इनडायरेक्ट बात है ना कि जी घड़ी ने मुझे दिखा दिया, मैं इससे ये मतलब ले रहा हूँ कि बाकायदा बात करेगी, और ये चैट बॉट की सूरत में आपके सामने मौजूद है, जो चैट जीपीटी है वो उसकी सीधी जात की मिसाल है। चैट जीपीटी के अलावा भी बहुत सारी एप्स पास्ट में भी थी, अभी भी है, और फ्यूचर में भी आती रहेंगी, आपको देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। गूगल असिस्टेंट उसकी एक जिंदा मिसाल है कि आप उससे बात बोलते हैं, वो आपकी बात को ना सिर्फ सुनता है समझता है, उसकी एक्शन लेता है उसके ऊपर और आपको जवाब भी देता है सामने से, ठीक है। तो ये हदीस जो है ना आप देखें पूरी होती जा रही है आज से। अच्छा, तो मेरा ये मानना है, अच्छा 2016 में भी ना लोगों को क्योंकि पता तो था नहीं, तो मुझसे लोग अभी पूछते हैं कि सर आप क्या देख लिया था आपने, तो मैंने ये हदीस देखी थी और इसको देख के मैं इस चीज में आ गया था, मुझे पता था कि यार ये होगा, और मैं आपको दावे से ही बात कह रहा हूं इसकी बुनियाद पर कि आने वाले दिनों में ये जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद है, एक वेबसाइट का बूम आया था ना, हर कंपनी को वेबसाइट, वेबसाइट बजाय कंपनी को कंपनी नहीं मानते लोग सब आजकल, कोई कंपनी है उसकी वेबसाइट नहीं, कहते हैं ये कौन सी कंपनी इसकी वेबसाइट नहीं है, कहते हैं दो नंबर है। अब फिर उसके बाद आया मोबाइल ऐप का बूम, कि जितनी भी कंपनी थी वो कहती थी यार हमारी ना मोबाइल ऐप होनी चाहिए, आपको देखें सारा जो आपका फूड पांडा से लेके उबर वगैरह ये सारी चलती ही मोबाइल ऐप से ही चलती, तो मोबाइल ऐप का एक बूम आया क्योंकि हर रेस्टोरेंट को ना अपनी मोबाइल ऐप चाहिए। अच्छा, अब ये नया बूम आने वाला है जिसमें हर रेस्टोरेंट को और हर कंपनी को अपना वॉइस एप्लीकेशन, एक नया बूम आने वाला है, और इस बूम से आप सब लोग फायदा उठा सकते हैं। आप अगर इसमें अभी एंट्री करेंगे, अब तो खैर काफी लोगों को पता चल गया है, लेकिन स्टिल अर्ली बर्ड का जो बेनिफिट होता है ना वो आपको मिलेगा, जो भी पहले एंट्री मारता है मार्केट में वही होता है,
तो अभी एप्पल ने भी बल्कि विजन प्रो करके डिवाइस लॉन्च किए एक हफ्ते पहले काल में, तो उस पर मैंने वो पूरा एक माई टेक ऑन कि मैं क्या समझता हूँ डिवाइस क्या है, वो आप देखेंगे यूट्यूब पे लगा हुआ एक घंटे का लेक्चर है पूरा, कि मैं क्या समझता हूँ कि वो क्या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, और वो सारा इस वॉइस एप्लीकेशन पे बेस करता है। अच्छा, तो इट डजंट मैटर कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा या क्या होगा, अभी जो करंटली मौजूद है ना जो फ्रेमवर्क, हम उस पर शुरू करेंगे और उस पर शुरू करके ना हम देखेंगे फिर आगे जो भी होगा। अभी तो मार्केट ट्रेंड वगैरह ये डिवाइसेस की तरह तस्वीर है, आप सब लोगों ने देखी होगी, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी जो हमारे पास है ना डायलॉग फ्लो करके फ्रेमवर्क है जो सबसे स्टेबल है चैटबॉट बनाने के लिए। अच्छा, डायलॉग फ्लो में क्या होता है, आप इंटेंट एंटिटी और ये फुलफिलमेंट, ये तीन इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसके जरिए आप चैटबॉट बनाते हैं। अभी मैं आपको 5 मिनट में एक छोटा सा डेमो बना के और चला के दिखाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो तुम भाई अमेरिका से है, तुम्हारे पास है इंटरनेशनल नंबर है तुम्हारे पास? ऑस्ट्रेलिया से है। अच्छा, अभी तुम्हें तुम्हारी कंट्री का नंबर देता उसको तुम कॉल करो। सर है मेरे को। है कौन सा वॉइस टेक्स्ट नंबर? नहीं नहीं, गूगल गूगल वॉइस है। बढ़िया, क्या बात है। अभी मैं नंबर देता हूँ क्योंकि मेरा फोन वहां लगा है, तो मैं तुम्हें भी देता हूँ, उस पर कॉल कराना। अच्छा, तो एक डायलॉग फ्लो है। नेक्स्ट जो फ्रेमवर्क है जो चैट बॉट डेवलपमेंट की पूरी डायनेमिक्स को चेंज करने जा रहा है और डायलॉग फ्लो को भी खा जाएगा, वो है ये ओपन एआई का कंप्लीशन मॉडल। अच्छा, लोग तो वैसे आम फैन जुबान में इसको बोलते हैं चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी को क्या है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, असल जो फ्रेमवर्क है वो ओपन एआई का कंप्लीशन मॉडल है, जो कि क्या है एआई एज अ सर्विस है, पहले से ट्रेन हुआ मॉडल है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो हम पहले जल्दी से इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यही काम हम इस क्लास में जो करेंगे चैट जीपीटी से करेंगे हम इस क्लास में, ठीक है। हम दो फ्रेमवर्क हैं, ये डायलॉग फ्लो और चैट जीपीटी, हम इंशाल्लाह इस दोनों फ्रेमवर्क को इस क्लास में एक्सप्लोर करेंगे। जरा टाइम बताओ जल्दी से। 15 मिनट रहेगा सर। 15 मिनट है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस कोर्स में हम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट से। सब लोग ये गौर से सुन लें कि पाइथन का पी भी नहीं पढ़ेंगे हम इस कोर्स में, हम वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम एआई का मॉडल ट्रेन नहीं करेंगे। एआई का मॉडल ट्रेन करने के लिए जो रेकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पाइथन है, क्योंकि उसमें लाइब्रेरी सारी उसमें लिखी है, वो भी जाता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन रेकमेंडेड पाइथन। अच्छा, लेकिन एआई एज अ सर्विस जो है इसमें एक ही काम होता है, होती है एपीआई कॉल, कि आपकी जी एक एप्लीकेशन है उससे एपीआई कॉल लगती है। अब वो एपीआई कॉल के लिए सबसे बेस्ट जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट। एपीआई कॉल में जावास्क्रिप्ट से अच्छी लैंग्वेज कोई भी नहीं। अच्छा, फिर जवाब वो जो देता है वो देता है जेसन में, जेसन भी सबसे अच्छा जावास्क्रिप्ट में चलता है ES6 में। अच्छा, और तीसरी चीज ये कि भाई वो लगा हुआ कहाँ होगा, वो सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ द टाइम वो लगा होगा वेब एप्लीकेशन में, तो वेब एप्लीकेशन भी जावास्क्रिप्ट में होती है। अच्छा, और सर्वर हमारा जो एक्सप्रेस है वो भी जावास्क्रिप्ट है, डेटाबेस MongoDB हम करेंगे वो भी जावास्क्रिप्ट में। तो ये पूरा स्टैक हमारा जो चैटबॉट डेवलपमेंट का है ये जावास्क्रिप्ट में होगा। प्लीज मुझसे कोई बाद में ये ना कहे कि सर पाइथन क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि पाइथन का इसमें कोई सेंस नहीं बनता है, एपीआई कॉल के लिए पाइथन की हमें जरूरत नहीं। अच्छा, फिर अगर हम पाइथन को इंक्लूड करते हैं, होस्ट पे भी जाता है ये चैट जीपीटी के, जो सारे लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं वो सब पाइथन यूज करते हैं, लेकिन वो पाइथन पे हम अगर करेंगे तो एपीआई कॉल है भाई, आप इससे करो या उससे बात देखिए, फिर दूसरा पाइथन भी सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट तो सीखनी पड़ेगी क्योंकि सर्वर उसमें आता है, और फिर हमारा जो फ्रंट एंड है थोड़ा सा यूआई भी तो बनाएंगे ना वेब एप्लीकेशन जिसपे लगाना है, तो जावास्क्रिप्ट और पाइथन दो लैंग्वेज होंगे, तो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में जो चैटबॉट डेवलपमेंट हो रही है सारी की सारी वो सारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगी। अच्छा, ये याद रखें एआई एज अ सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा टाइम बच जाता है मॉडल ट्रेन करने वाला। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मुझसे कहता है कि यार मुझे ना एक FAQ चैटबॉट बनाने हैं, कि जी एक वो मेरी वेबसाइट पे जो पहले से जो डेटा लिखा हुआ है उसी में से वो कोई अगर बात पूछते हैं ना जी आपकी टाइमिंग क्या है, तो वो सामने से बता दें, कोई मेरी वेबसाइट पे आया उसको ढूंढना पड़ रहा है उसमें जाके यार टाइमिंग कहाँ लिखी है। बेहतर ये कि छोटा सा चैटबॉट साइट से निकले उससे मैं पूछूं यार व्हाट आर द टाइमिंग और वो जवाब दे सामने जी। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट इसमें रिक्वायर्ड है इस लैंग्वेज में, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट पहले से नहीं आती है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा जावास्क्रिप्ट का। अच्छा, मगर वो कोई मसले की बात नहीं है, वो कोई मसले की बात नहीं है, मैं आपको अपना यूट्यूब का बता देता हूँ चैनल, उसमें आप 4-5 वीडियो जावास्क्रिप्ट को आप देख लें,
बेसिक से टेस्ट होगा शायद एमसीक्यू उसका मे बी मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग आपको बेसिक बेसिक पता हो गया। अच्छा और फिर मैं इस कोर्स में जावास्क्रिप्ट को ना चार क्लासेस में हम जरा रिमाइंड करके जल्दी तरह फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे ताकि वो सेम पेज पे आ जाए। चलिए जावास्क्रिप्ट बेसिक प्रोग्रामिंग कोई एक आती है दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बेसिक थोड़ी सी आती है। अच्छा ये अभी ना अभी वो बता देंगे आपको निशान भाई ना टेस्ट होगा या क्या होगा या अच्छा हम जल्दी से करते हैं वो अच्छा अच्छा ये मैंने क्या ओपन कर लिया dialogflow.com पे मैं चला गया अच्छा गूगल पे जाके मैंने लिखा